नमस्कार मित्रों, सौरभ तिवारी की बात में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी कैसे हैं? 23 तारीख को यानी कल चुनाव के नतीजे आ रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड के। सबसे ज़्यादा निगाहें जो होंगी वो महाराष्ट्र पे होंगी। 288 सीटें हैं। नतीजे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली है मुंबई, उस राज्य के चुनाव के नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र में भी थे, झारखंड में भी थे। झारखंड में 81 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं। और आपने देखा जिस तरह से गठबंधन बदला, इस बार बीजेपी और शिवसेना 2019 में ऑलरेडी थी, फिर उन्होंने महायुति बनाई बीजेपी ने, उन्होंने महाविकास अघाड़ी बनाई है। तो और इस बार बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रमुखता से रहा। सुदर्शन न्यूज खान संपादक सुरेश चौहान की, जिन्हें पूरे देश में यात्रा निकाली, माफ कीजिए, पूरे महाराष्ट्र में यात्रा निकाली। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को कहा, रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया। और इन रोहिंग्या और बांग्लादेशी को देश से भागाना ही होगा क्योंकि ये वोटिंग राइट अपना वोटर आई डी कार्ड बना लेते हैं। आप चाहे असम में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, ये लगातार घुसपैठियों का मुद्दा प्रमुखता से रहा है। और इस मुद्दे को हम लोगों ने लगातार उठाया है, हर मंच पे हमने उठाया है, हर नेताओं से बातचीत किया है, क्योंकि देश के लिए सबसे बड़े खतरा बनते जा रहे हैं ये जो घुसपैठियाँ हैं। और घुसपैठियों का संरक्षण कौन दे रहा है आप लोग अच्छे से जानते हैं मित्रों। सिर्फ वोटों के, चंद वोटों के लिए ये देश को भी बांट सकते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत की नागरिकता भी दे सकते हैं ये। तो पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी मित्रों, झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पे। और जाके उत्तर प्रदेश में भी मित्रों 9 सीटों पर चुनाव है। मुझे लग रहा है 2 सीटें छोड़ के 7-2 हो सकता है उत्तर प्रदेश में। बिहार में है उपचुनाव, राजस्थान में भी है, कई राज्यों में भी है। सब पे निगाहें हम लोग हमारी बनी रहेगी। तो आप लोग क्या लगेगा, किसकी सरकार बनेगी? मुझे तो ये लग रहा है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी जीत रही है। आपको क्या लगता है? अपना राय जरूर दीजिए। जय हिंद।